चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड पेज की तरफ जो कि है पेज नंबर एटीन ही हेल्ड टाइटली बिटवीन हिज शिवरिंग फिंगर्स एंड गेजिंग डाउन एट इट इट मैंट वन थिंग टू हिम एट दैट मोमेंट ओनली वन थिंग इट मैंट food। और उस नोट को हाथ में लेकर के उसके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी वो नोट को घूरे जा रहा था और सोच रहा था कि इस नोट से मैं क्या करूं और उसे लग रहा था मुझे बहुत भूख लगी है और मैं कुछ खाना चाहता हूं तो इससे ज़रिए मैं सिर्फ फूड को ख़रीदना चाहता हूं ऑटोमेटिकली चाली टर्न एंड बिगन मूविंग टूवर्ड द नियरेस्ट स्टॉप इट वॉज ओनली टेन पीसिस अवे वो आगे बढ़ता है और जगह पर रुकता है इट वॉज़ न्यूज़ पेपर एंड स्टेशनरी शॉप जो कि एक न्यूज़ पेपर और स्टेशनरी की शॉप होती है वहाँ पर तो उसे कुछ खाना मिलने को रहा द काइंड दैट सेल्स ऑलमोस्ट एवरी थिंग इंक्लूडिंग स्वीट्स एंड सिगार्स एंड वॉट ही वुड डू अब वो क्या करे ही विस्पर्ड क्विकली टू हिम सेल्फ ही वुड बाई वन ल्यूशियस बार ऑफ़ चॉकलेट वहाँ से उसने एक ल्यूशियस बार मतलब कि एक डिलीशियस चॉकलेट खरीदी एंड एट इट ऑल आप एवरी बाइट ऑफ इट राइट धैन एंड दर एंड द रेस्ट ऑफ मनी ही वुड टेक स्ट्रेट बैक होम एंड गिव टू हिज मदर वो ऐसा सोचता है कि वो वहाँ से एक बहुत अच्छी चॉकलेट बार खरीदे और पूरी खा जाए और उसके बाद जो बचे हुए पैसे हैं वो अपनी मदर को दे दें चार्ली एंटर द शॉप एंड लेड द डैम फिफ्टी पैंसे ऑन द काउंटर चार्ली शॉप के अंदर आता है और काउंटर पर वो जो उसका फिफ्टी पैंसे का नोट है वो रखता है वन वॉन्का विपल स्क्रामशन फुट गिड मेलो दिलाइट और उस चॉकलेट का नाम बोलता है इस चॉकलेट का नाम एक्चुअल में है विली वॉन्का और बोलता है कि उसे ये चॉकलेट चाहिए ही सेड रिमेंबरिंग हाउ मच ही हैड लव द वन ही हैड ऑन हिज बर्थडे और वो सोचता है कि ये चॉकलेट उसको कितनी अच्छी लगती है शायद आपके मुंह में भी ये सोच के चॉकलेट के बारे में सुन के मुंह में पानी आ रहा होगा और वो सोचता है कि ये चॉकलेट तो उसने सिर्फ उसके बर्थडे पे खाई थी तो अब तो उसे मिल जाती है तो बहुत अच्छा होगा द मैन बिहाइंड द काउंटर लुक्ड फ़ैट एंड वेल फैड और जो काउंटर के पास जो मैन खड़ा होता है जो शॉपकीपर है वो थोड़ा मोटा सा होता है ही हैड बिग लिप्स उसके बड़े बड़े होठ हैं एंड फैट चिक मोटे मोटे गाल है एंड वेरी फैट नेक और उसकी मोटी सी गर्दन है द फैट अराउंड हिज नेक ब्लजड आउट ऑल अराउंड द टॉप ऑफ हिस्स कॉलर लाइक रबर रिंग ऐसे जैसे रबर की रिंग गले में पहना दी हो ऐसा उसका मोटा सा गला है

एकदम से उस चॉकलेट को खाने के लिए अपना मुँह खोल के बहुत बड़ा बाइट लेता है चॉकलेट का चॉकलेट सबको अच्छी लगती है पर चॉकलेट खाने से आपको दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है इसीलिए कभी कभार ठीक है पर ज़्यादा चॉकलेट खाना सही नहीं होता है देन ही टुक अनदर एंड अनदर उसके बाद वो एक और बाइट लेता है एक और बाइट लेता है एंड ओह oh! The joy of being able to cram large pieces of something sweet and solid into one's mouth. Or Bahoth Kushwata's chocolate The sheer blissful joy of being able to fill one's mouth with rich and solid food. And in less than half a minute the whole thing had disappeared down his throat. He reached out a hand to take the change. और वो पूरी चॉकलेट खा जाता है उसके बाद उसके हाथ में चेंज जो बचे हुए पैसे हैं वो आते हैं देन ही पॉस्ट वो तब रुकता है हिज आइज वेर जस्ट अबो द लेवल ऑफ़ द काउंटर उसकी आंखें काउंटर पे पड़ती है देर वर स्टार्टिंग एट सिल्वरिंग कॉइन लिंग देर द कॉइन वेर ऑल फिफ्टी पैनी पीसेस देर वेर नाइन ऑफ देम ऑल टुगेदर श्योरली इट वुडेंट मैटर if he span just one more वो सोचता है कि क्या वो एक और चॉकलेट ले ले I think he said quietly I think मैं सोचता हूँ I will have just one more of those chocolate bar मुझे एक और चॉकलेट बार ले लेनी चाहिए the same kind as before please why not the shopkeeper fat shopkeeper said और वो शॉपकीपर को बोलता है कि मुझे एक और चॉकलेट चाहिए तो शॉपकीपर रिप्लाई करता है बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं रिचिंग बिहाइंड हिम अगेन एंड टैकिंग अनदर विपल स्क्रैमशिन फुड गेट मेलो डिलाइट फ्रॉम द शेल ही लेड इट ऑन द काउंटर चार्ली इट अप चार्ली तुरंत उठा लेता है एंड टोरे ऑफ द रैपर तुरंत वो रैपर खोलता है एंड सडनली फ्रॉम द अंडर द रैपर देर केम अ brilliant फ्लैश ऑफ गोल्ड और जब वो रैपर खोलता है अचानक से जैसे गोल्ड चमकता हो ऐसा कुछ गोल्ड जैसा कुछ उसमें से निकलता है चार्लीस हार्ट स्टोल स्टिल चार्ली का जो हार्ट है वो स्टूड स्टिल हो जाता है वो एकदम से अचंभित हो जाता है कि ये है क्या इट्स अ गोल्डन टिकट और वो होता है गोल्डन टिकट स्क्रीम द शॉपकीपर और शॉपकीपर भी उसको गोल्डन टिकट को देख एकदम से चिल्लाता है लपिंग अबाउट फूड इन द एयर यू हैव गॉट अ गोल्डन टिकट अरे तुम्हें तो गोल्डन टिकट मिला है यू हैव फाउंड द लास्ट गोल्डन टिकट आखिरी वाला गोल्डन टिकट तुम्हें मिला है है वुड यू बिलीव इट क्या तुम्हें विश्वास हो रहा है कि ये टिकट तुम्हें मिला है कम एंड लुक इट दिस एवरीबडी देखिए सब लोग इस बच्चे को गोल्डन टिकट मिला है द किड्स फाउंड वोंकास लास्ट गोल्डन टिकट देर इज इट इट्स राइट हियर इन हिज हैंड और वो अब उसके हाथों में था चार्ली के हाथों में था अब हम आते हैं हमारे पेज नंबर नाइनटीन पे विली बिल्ड द ग्रेटेस्ट एंड लार्जेस्ट चॉकलेट फैक्ट्री इन द वर्ल्ड अब हम कुछ ये विली वोंग का जो चॉकलेट के जो मालिक हैं उनके बारे में और उनकी चॉकलेट फैक्ट्री के बारे में जानते हैं उनकी जो चॉकलेट फैक्ट्री है वो सबसे बड़ी और ग्रेट फैक्ट्री होती है पूरी दुनिया की आफ्टर सम ऑफ हिज वर्कर स्टॉलन हिज सीक्रेट रेसिपी और उनकी फैक्ट्री में एक दिन ऐसा होता है कि कुछ उनके वर्कर्स जो हैं उनकी जो चॉकलेट बनाने की जो सीक्रेट रेसिपी है उसको चुरा करके किसी और को बेच देते हैं विली का जो इस चॉकलेट फैक्ट्री का मालिक है विली वॉन्का किक्ड हिज वर्कर एंड आउट एंड क्लोज डोर फॉर फिफ्टीन ईयर्स का उनको अपनी चॉकलेट फैक्ट्री से निकाल देता है और उनके लिए वो चॉकलेट फैक्ट्री के दरवाजे पंद्रह साल तक बंद कर देता है नो वन हैड सीन एनी वर्कर्स एंटरिंग ऑन लिविंग द फैक्ट्री इस फैक्ट्री uh, को छोड़ने के बाद मतलब उनको वर्कर्स को निकाल देने के बाद वो वर्कर्स पंद्रह साल तक इस फैक्ट्री में वापस नहीं आ सकते येट हिज चॉकलेट कैंडी वो स्टिल बिगिन प्रोड्यूस्ड एंड शिफ्ट अराउंड द वर्ल्ड आज भी उनकी ये जो चॉकलेट है वो पूरी दुनिया में बिकती है और मिलती भी है शायद कुछ कुछ जगह पर फॉरेन कंट्रीज़ में अगर आप जाएंगे आप देखेंगे तो अभी भी ये विली वोंका की जो चॉकलेट है वो मिलती है वन डे वन विली वोंका वॉज गेटिंग हिज हेयर कट एक दिन जब विली वोंका अपना हेयर कट करवा रहा था ही रियलाइज दैट ही वॉज गेटिंग ओल्ड तब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो बुढ़ा होता जा रहा है ई नीड अ सक्सेसर उसे अपनी कंपनी को चलाने के लिए सक्सेसर चाहिए एक ऐसा वारिस चाहिए जो उसकी कंपनी को सक्सेसफुली रन कर सके ही केम ऑफ विथ अ प्लान और वो एक प्लान के साथ बाहर आता है टू ओपन हिज फैक्ट्री एंड रिवील हिज सीक्रेट टू फाइव लकी चिल्ड्रन वू फाइंड गोल्डन टिकट इन साइड द विली वॉन्का चॉकलेट बार्स और वो ऐसा सोचता है कि वो विली का चॉकलेट बार्स में फाइव गोल्डन टिकट रखेगा जो भी इन चॉकलेट में से गोल्डन टिकट जिसको भी मिलेगा उसको वो अपना सक्सेसर बनाएगा और उसको लाइफ टाइम उस चॉकलेट की जो सप्लाई है वो फ्री में देगा इट सीम्ड एज दो द शॉपकीपर माइट बी गोइंग टू हैव फिट इन माई शॉप टू ही यर्ड ही फाउंड इट राइट हिअर इन माई ओन लिटिल शॉप समबड़ी कॉल द न्यूज़ पेपर्स क्विक लेट दम नो वॉच आउट नाउ सॉनी डोंट टीयर इट एज यू अनैपडेड दैट थिंग्स प्रेशियस ये बहुत ही प्रेशियस है गोल्डन टिकट जो तुम्हें मिला है और वो चाहता है कि सबको ये पता चले कि ये गोल्डन टिकट जो लास्ट है वो अब मिल गया है और वो इस चाली को मिला है इन अ फ्यू सेकेंड देर वॉज़ अ क्राउड ऑफ अबाउट ट्वेंटी पीपल थोड़ी ही देर में वहाँ एक क्राउड एक मॉब मतलब कि बहुत सारे लोगों का झुंड जमा हो जाता है चार्ली के अराउंड एंड मैनी मोर वेर पुशिंग देयर वे इन फ्रॉम द स्ट्रीट एवरीबडी वॉन्टेड टू गेट अ लुक एट द गोल्डन टिकट एट द लक्की फाइंडर सब लोग देखना चाहते जानना चाहते कि आखिरी आखिरी वाला गोल्डन टिकट किस व्यक्ति को मिला है और कैसे मिला है वेयर इज इट Somebody shouted, hold it up so all of us can see it. आप इसे पकड़ के ऐसा ऊपर करो ताकि हम भी देख सकें कि कैसा होता है कैसा है ये golden ticket और किसे मिला है There it is there. देखिए ये इधर है Someone else shouted. उस भीड़ में से कोई चिल्लाता है देखिए ये इधर है यहाँ पर है He is holding it in his hand. See the golden shining. ये देखिए ये ये इसे पकड़ के खड़ा है ये गोल्डन टिकट कितना शाइन कर रहा है हाउ डिड ही मैनेज टू फाइंड इट ये इस बच्चे को कैसे मिला आई हैड लाइक टू नो सब लोग जानना चाहते हैं कि ये बच्चे को गोल्डन टिकट आखिर मिला कैसे अ लार्ज बॉय शाउटेड एंग्रीली एक बड़ा सा लड़का चिल्लाता है बहुत ही गुस्से से ट्वेंटी बार्स डे आई हैड बिन बाइंग फॉर वीक्स एंड वीक्स हर दिन की ट्वेंटी बार्स मतलब कि हर दिन मैं ट्वेंटी चॉकलेट खरीदता था ताकि मुझे ये गोल्डन टिकट मिले कई हफ्तों से थिंक ऑफ ऑल द फ्री स्टाफ यू विल बी गेटिंग टू अनदर बॉय सेड इनवियसली अफ टाइम सप्लाई एक दूसरा बॉय भी एक एशिया के साथ बोलता है लाइफ टाइम सप्लाय अब ये पूरी जिंदगी उसको ये चॉकलेट खाने को मिलेगी ओ ही वेल नीडिड द शाइनिंग लिटल श्रिम्प अ गर्ल सेड लाफिंग चार्ली हैड नॉट नोड ही हैड एंड टीवन अनरैप द गोल्डन टिकट फ्रॉम अराउंड द चॉकलेट और इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी कि चार्ली वहाँ से मूव भी नहीं कर पा रहा था जा भी नहीं सक पा रहा था और ना ही उस गोल्डन टिकट को अनरैप करके वो अपने पास रख रहा था He was स्टैंडिंग वेरी स्टील होल्डिंग इट टाइटली विद बोथ हैंड्स while द क्राउड pushed एंड शाउटेड ऑल अराउंड him। वो सब धक्का मुक्की कर रहे थे उस क्राउड में और वो वहाँ से उस क्राउड में से निकल के बाहर नहीं जा पा रहा था एट दैट पॉइंट He began aware of a hand resting tightly on his hand shoulder and when he looked up he saw a tall man standing over him. Listen the man whispered, I will buy from you. I will give you fifty pound. How about it? And I will give you a new bicycle as well, okay? Agar give me a golden ticket ho ek. टॉल आदमी आ कर के चाली से बोलता है एक बड़ा सा इंसान आ कर के कि क्या तुम ये गोल्डन टिकट मुझे दोगे तो मैं तुम्हें फिफ्टी पाउंड दूँगा और उसके साथ मैं तुम्हें एक नई बाइसिकल भी दूँगा क्या ये ठीक रहेगा उसी वक्त वहाँ पर एक लेडी आ जाती एक वुमन आ जाती है और वो ज़ोर से शाउट करते हुए बोलती है आर यू क्रेज़ी क्या तुम पागल हो वुमन वो वॉर स्टैंडिंग इक्वली क्लोज वाई आई हैड गिवन हिम हिम टू हंड्रेड पाउंडस फॉर दैट टिकट मैं इस टिकट के टू हंड्रेड पाउंड दूंगी यू वॉन्ट टू सेल द टिकट फॉर टू हंड्रेड पाउंड यंग मैन क्या तुम टू हंड्रेड पाउंड के लिए ये गोल्डन टिकट मुझे बेच सकते हो दैट्स क्वाइट इनफ ऑफ दैट और ये इसके लिए बहुत ज़्यादा आई है द फैट शॉपकीपर शाउटेड पुशिंग हिज वे थ्रो द क्राउड एंड टेकिंग चार्ली फॉर्मली बाय द आम लीव द कीड अलोन और शॉप कीपर तब वहाँ पर आता है और बोलता है कि आप उस बच्चे को अकेले छोड़िए उसे रास्ता दीजिए उसे जाने दीजिए मेक वे देयर लेट हिम आउट एंड टू चार्ली एज ही लेट हिम टू द डोर ही विस्प डोंट यू लेट एनी बडी हैव इट तुम इसे किसी को भी मत देना टेक इट स्ट्रेट होम क्विकली बिफोर यू लूज़ इट जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँचो वरना ये तुमसे गोल्डन टिकट छीन लेंगे रन ऑल द वे एंड डॉन्ट स्टॉप स्टिल यू गेट देर यू अंडरस्टैंड चार्ली ना डेड तुम सीधे अपने घर जाना कहीं पर भी नहीं रुकना और ये गोल्डन टिकट सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स या अपनी मदर के हाथ में देना समझ में आ गया चार्ली ऐसा शॉपकीपर चार्ली को समझाता है यू नो समथिंग द फैट शॉपकीपर सेड पुशिंग ए मोमेंट एंड स्माइलिंग एट चार्ली आई हैव फीलिंग यू नीड इट अ ब्रेक लाइक दिस और शॉपकीपर बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस गोल्डन टिकट की तुम्हें सच में ज़रूरत है आई एम अवेफुली ग्लैड यू गॉट इट और इससे मैं बहुत खुश हूँ कि ये टिकट सच में एक ज़रूरतमंद बच्चे को मिला है गुड लक टू यू और इसके लिए तुम्हें गुड लक है अब हम हमारे लास्ट पेज पेज नंबर ट्वेंटी पर आते हैं थैंक यू चार्ली सेड चार्ली कहता है थैंक यू शॉपकीपर को क्योंकि उस मॉब से शॉपकीपर ने ही चार्ली को बचाया ही वेंट रनिंग थ्रो द स्नो एज फास्ट एज़ हिज लेग वुड गो वो जल्दी से जल्दी दौड़ के उस बर्फ़ में से भाग करके अपने घर जाता है एज ही फ्लू पास्ट मिस्टर विली वॉन्का फैक्ट्री और रस्ते में वो फैक्ट्री के बारे में सोचता हुआ देखता हुआ जाता है और बोलता है कि मैं जल्दी ही इस फैक्ट्री को मैं आने वाला हूँ चाली ब्रश थो द फ्रंट डोर शाउटिंग मद 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 और वो डोर के सामने जा कर के खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है मदर मदर मम्मी मम्मी दरवाज़ा खोलो मिसिस बकेट वॉज इन द ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स रूम सर्विंग देम देर इवनिंग सूप जो मिसिस बकेट होती है वो आ, अपने ओल्ड जो उनके इन लॉस हैं उनके रूम में होती है और उनको वो शाम का सूप सर्व कर रही होती है मदर ये चार रशिंग इन ऑन द लाइक हरी कैन मदर आती है और देखती क्या हुआ लुक आई हैव गॉट इट लुक देखो मम्मी देखो मुझे मिला है ये मदर देखती है मदर लुक द लास्ट गोल्डन टिकट आखिरी वाला गोल्डन टिकट इट्स माइन ये मेरा है आई फाउंड सम मनी इन द स्ट्रीट मुझे रास्ते पे से कुछ पैसे मिले थे एंड आई बॉट टू बार्स ऑफ चॉकलेट जिससे मैंने की दो चॉकलेट खरीदी थी एंड द सेकेंड वन हैड गोल्डन टिकट और दूसरी चॉकलेट में से मुझे ये गोल्डन टिकट मिला है एंड देर वेर क्राउड ऑफ पीपल ऑल अराउंड मी वांटिंग टू सी इट बहुत सारे लोग इस गोल्डन टिकट को देखना चाह रहे थे एंड शॉपकीपर रेस्क्यू मी और उस वक्त शॉप कीपर ने मुझे इन सब लोगों से बचाया एंड आई रन ऑल द वे होम हियर और मैं भाग करके घर पे आया हूँ आई एम इट्स द फिफ्थ गोल्डन टिकट मदर एंड आई हैव इट ये पाँचवा आखिरी गोल्डन टिकट मिला है मम्मी जो कि मेरा है मुझे मिला है मैंने ढूंढा है और इसके साथ यहाँ पर यह लेसन ख़त्म होता है और इसके साथ मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये कैसे हुआ See the video. One more. My grandpa Joe. Sure. I'm to try a regular wonka bar this time. There's one golden ticket still floating around somewhere. Can you imagine the nerve of that guy trying to fool the whole world? He really was not crook. All the contest goes on. Through. थैंक यू और यहाँ पर हमारा ये लेसन ख़त्म होता है